किचन बेड मैंने बनाया था, इन्होंने उसके अंदर शेड को डाल लिया इधर। ये देखो चुहिया, ये देखो सो गई, वो सो गई। चल सोने दो उसको, पहला ओवरटेक सिखा। तो लेटेस्ट सूरत हाल ये है दोस्तों कि हमने पकड़ लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सुबह 4 बजे हम दिल्ली से निकल गए थे एक लंबी जर्नी पर, और इस जर्नी में हम देखने वाले हैं प्रो टाइप के ड्राइवर जो ऐसी खतरनाक जगहों पर ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, से और बनाएंगे हम ब्यूटीफुल लोकेशंस पर यम्मी यम्मी खाना अपनी कैंपर वैन में, जो कि है बोलेरो नियो, जिसके अंदर हमारा कंप्लीट किचन सेटअप। और ट्राई करेंगे हर जगह के अपने अपने क्या कहते हैं उसको लोकल फूड, जैसे कि ये मिसल पाव खा लिए, ये मिसल पाव जो कि है बहुत ही स्पाइसी, और लेंगे अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर जगह। सावन में लग गई आग दिल मेरा, क्या बात है भाई, झूले लग गए। और ये हमारे बच्चे चल पड़े हैं जूह चौपाटी सी बीच पर, और ये मैडम भी आ रही हैं। क्या जगह है भैया, ये गेटवे ऑफ मुंबई और ताज के बीच का कोई कॉरिडोर है जहाँ पर मैडम ठुमक ठुमक के चल रही हैं। और ब्यूटीफुल लोकेशन पे हम करेंगे मस्ती, पूरा लोकेशन का मज़ा लेते हुए। और साथ ही वो क्या कर रही है भाई शिखा, ये क्या, अच्छा जी ये शिखा जी कर रही है यहाँ पे बर्तन साफ। और यहाँ पर हमने देखी कोल्हापुरी चप्पल बनते हुए, बहुत मेहनत का काम है भैया, ये हमारे कुकर ने सीटियाँ बजा दी हैं। और इस लोकेशन पर मेरे पापड़ जल गए थे यार, मेरे को बड़ा दुख हुआ, शिखा के नहीं जलते, क्या बात है यार। ये है कर्नाटका का कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच जिस पर शिखा भी बच्चों के साथ कर रही है डांस। ये आ गई हमारी वेव, आ गई ब्यूटीफुल जगह थी, ब्यूटीफुल। और ये है जी सनसेट का टाइम, सन को हमने कर दिया सेट, और हम भी बेहद बिल्कुल सेट, परिवार सेट, बच्चे सेट, बीवी सेट, यानी कि लाइफ सेट। ब्यूटीफुल बीच था, ब्यूटीफुल कर्नाटका का कोई बीच था ये। और ये हमारे हैप्पी क्लाइंट गोवा में जो कि अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ये बहुत हंसता है यार, ये भाई बहुत हंसता है गुड। और हमने पकड़ी वहाँ पर ये फिश जिंदा है बिल्कुल, ये भी खुद से फिश पकड़ने का जो मज़ा है ना, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। बहुत टाइम लगता है भाई। आज फिर मरने का इरादा है, क्या बात है, मान्या फुल मजे ले रही है मौसम के। लकी तिरपाल खोल दी, लकी क्या, लकी किधर है, अरे लकी को यहाँ डाल के लाए थे, गाड़ी में जगह कम हो रही थी, लकी को यहाँ डाल के लाए, किधर डाला, कैसे आए। ये भैया एक एक्सरसाइज थी जो हम रोज करते थे रात को, सामान उतारना रात को और सुबह चढ़ाना। सामान ज़्यादा था, हमारी गाड़ी छोटी थी लोगों के हिसाब से, तो ये सब जरूरी था करना, पर मज़ा आया इसमें भी। और ये है हमारा एक ब्यूटीफुल सा लाइट हाउस, भी वंडरफुल जगह यार। तो और ये एक ऐसा बीच था जहाँ पर हर पत्थर के ऊपर ना शिवलिंग, नंदी बैल, मतलब ऐसे नेचुरल बना हुआ था, रखे नहीं हुए, ये बने हुए हैं, कैसे बने आई डोंट नो। और गाड़ी ने बीच में दे दिया था धोखा, तो हमें करवाना पड़ा थोड़ा सा उसके अंदर ये यूरिया एड। और ये है मेरी इस जन्म का मेरा पहला दोस्त दिनेश जोशी, बहुत सालों बाद मैं मिला इसे, बहुत सालों बाद मिला। तो दोस्तों ये हमारी थी जर्नी जो कि बहुत लंबी थी, जिसको भी इस कम से कम छोटे से क्लिप में तो बयान नहीं किया जा सकता। और अगर आप चाहते हो आप ही हमारे साथ ये सारी जर्नी करें, कहाँ का हम गए, कहाँ का हमने कैंपिंग की, तो इसे ज़रूर देखना। और इस पूरे जर्नी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये होगा कि हम आपको एक एक रुपए का हिसाब देंगे, कितने का डीजल लगा, कितने का पेट्रोल लगा, किस होटल में रुके, कहाँ हमने कैंपिंग की, कहाँ हम कैंपिंग नहीं कर पाए, वो सब होगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। हर एपिसोड में हम बताया करेंगे टोल कितने का लगा, भाई साहब 7000 प्लस का तो टोल लगा है, तो सोचो डीजल कितने का लगा होगा, सब बताएंगे बिल्कुल विस्तार से। तो चलो अब शुरू करते हैं इस जर्नी के पहले एपिसोड की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा क्लिप देख लो। ये है हमारे जिगर का टुकड़ा जिसने पूरे ट्रिप में हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। मेहर आई लव यू बच्चे। हाँ। क्या कर रहा है बच्चा, ये क्या है आपका लिस्ट बनाई हुई है, तीसरी बार। हाँ। तीसरी बार। हाँ। तो ये है सारा हमारा कैंपिंग का सामान जो जाना है कार के अंदर। ये बच्चों के बैग हो गए रेडी, अभी मेरा बैग कहाँ है। ये शिखा का बैग है जो बंद नहीं हो रहा है, और जो मेरा बैग है उसमें भी कुछ भी नहीं है। अब यार मेरे को कुछ दे दो, यस बेटा अभी दो तो मैंने आज ही फेंके हैं। वेलकम बैक टू द चैनल लक ऑन द ट्रेल, और शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी एक लॉन्ग 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 जर्नी। रोशनी में बताऊंगा आगे की बातें। तो भैया लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि 4 बजे हम चले थे दिल्ली से, और अभी बज गए हैं 10।
और हमने दिल्ली से पकड़ा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड हमने मेंटेन की हुई थी, लेकिन अचानक एक मोड़ आया जहाँ पर लिखा था भाई टोंक के लिए लेफ्ट से उतरना है, और आगे एक्सप्रेस वे था वो बंद किया हुआ था। हम उतर गए नीचे, टोल आया, हमने पूछा भाई क्या वसूली है, वो कहते जी अभी आगे बन रहा है। तो वहाँ से उन्होंने भी टोंक के लिए मोड़ दिया और टोंक पहुँचे हम फिर ऑलमोस्ट एक घंटे में आड़ी टेढ़ी सड़कों से, और टोंक से कोटा है 150 किलोमीटर और हम टोंक पर पहुँचे हैं 426 किलोमीटर ड्राइव करके, जबकि दिल्ली से जो पुराना वाला हाईवे था अगर वहाँ से हम कोटा जाते तो वो पूरा था 450 किलोमीटर। तो एक्सप्रेस वे ने हमारा बड़ा लंका लगा दिया हमारी, अब हम दोबारा पुरानी वाली रोड पर ही हैं और यहाँ से अब कोटा है 135 किलोमीटर और मैं 426 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चला चुका हूँ, अब 135 और जोड़ दो। गुस्सा आ रही है भैया, गुस्सा आ रही है, खाना पीना कुछ खाया नहीं है सुबह से, और बच्चे बोलते हैं अभी मैकडी ही रुकना है और मैकडी आएगा अभी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। तो कुल मिला के ले देंगे सूरत लिया है कि यार पुराने रास्ते ही ना विश्वास पात्र होते हैं, नयों का भरोसा नहीं करना चाहिए। यार ये आज का हमने पहला ब्रेक लिया है, राजस्थान की गर्मी, साए साए हवा चल रही है, लू बिल्कुल गर्म। अभी एक बेसिक सा ढाबा है, अब देखो क्या मिलता है। हमने तो एक दो तवा रोटी और प्लेन दाल मंगाई है और ये पकड़ लिया मैंने खाट। शिखा का फ़ोन डेड हो चुका है, आईफोन एंड्रॉयड अभी भी चल रहे हैं हमारे, तो वो सॉकेट ढूंढने गई ढाबे के अंदर कहीं पीछे ही है। पर अगर अभी 12 बजे सो गए ना तो मुझे पता है मैं फिर कल सुबह से पहले उठने वाला नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कम से कम 200-300 किलोमीटर और अभी कवर हो जाए, हम शाम को 4-5 बजे रूम ले लें और फिर पड़ जाए सुबह तक। सॉरी, ये है ना, बस ड्राइव करिए, देखो ब्यूटीफुल ड्राइविंग है ना, ये है चल दिखा, ये अन्य ब्यूटीफुल प्रोग्राम देख रही है। तो अभी चाय पी के हमने सोच रहे हैं थोड़ी सी ड्राइव और कर लेते हैं धीरे धीरे। तो फैसला ये हुआ है कि हम चल दिए हैं फिर से अपने सफ़र पे, और 3 बजे के आसपास जहाँ भी हमें रूम मिल जाएगा एसी रूम हम वहीं पे सो जाएंगे और सुबह फिर से 4 बजे शुरू करेंगे अपना सफ़र। तो चलिए फिर धीरे धीरे चलेंगे आराम से, गप्पे मारते हुए, बातें करते हुए और मस्ती करते हुए। आई होप सब ठीक ठाक हो यार। ओह गॉड, क्या बुरा हाल हुआ है, शिट। छोटा सा एक वो बना हुआ है टापू सा छोटा, अंग्रेजों के जमाने की रेल है ये। रेल तो क्या, अंग्रेजों के जमाने की ही है, थोड़ा सा ध्यान से चलाने वाला रूट है ये, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, क्योंकि बाइक तो बहुत बड़े ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारी बहुत ही मुशक्कत के बाद हम फिर से पकड़ पाए हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और विंडमिल्स आ गई है, वो देखो विंडमिल्स कितनी सारी, फील आ रहा है कि हम गुजरात में आ गए हैं। नजारा कुछ ऐसा हो गया है, अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम ऑलमोस्ट 2-3 घंटे इधर उधर घूमे हैं गूगल की वजह से, और ये जो एक्सप्रेस वे बना है ना इसकी वजह से, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है एक्सप्रेस वे पकड़ने के बाद, ताकि आपके 2-2.5 घंटे बच जाएं जो हमारे बर्बाद हो गए। बड़ा अभी मामला टाइट सा है, इसलिए ज़रा आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। नंबर एक, नंबर दो क्या बताना था मैंने वो मैं भूल गया, याद आएगा तो वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप देखो रोड।
दोस्तों कहानी ये है कि अभी ड्राइविंग सीट पर आ गई है शिखा, क्योंकि मैं एवरेज नहीं निकाल पा रहा हूँ। शिखा ने बोला मैं बता दी एवरेज कैसे निकालते हैं, और थोड़ा अपने निर्धारित समय से थोड़ा मैं पीछे भी चल रहा था, उसने मैं कवर अप करते हैं कवर अप। तो अभी हम बनने वाले हैं रॉकेट, बस चल रहा है मामला। हम 723 किलोमीटर आ चुके हैं दिल्ली से, चले थे सुबह 4 बजे और दोबारा 4 बजने वाले हैं, यानी कि 12 घंटे चलाने के बाद, जिसमें हम एक दो बार रुके भी हैं और कंफ्यूज होने के बाद बहुत बार रुके हैं। फाइनली 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंचे हैं इंदौर कुछ खाने पीने, और यहाँ पर हम रात को लेंगे होटल और फिर कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम पुणे के लिए, और कल शाम का टारगेट है पुणे पहुंचने का। तो अब हम सोच रहे हैं कि बर्गर किंग जाएं, KFC जाएं, कि पिज़्ज़ा हट जाएं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम तब तक ही वेट कर रहे हैं। देर हो जाएगी। हाँ, सो गई थी। तो भैया खाने पीने के बाद हम आ गए यहाँ पर, ये हमारा रूम आज का, वन नाइट रूम। ये हमारी शहजादियाँ, अब यहाँ पे जंग होगी बेड के लिए। ये थोड़ा हमारा ठंडा वॉश बेसन, गीजर लगा हुआ है, और ये विद टॉवल, वो टॉवल आया है यहाँ पे, अपने गीले नहीं करने पड़ेंगे ना एक रात के लिए। अरे कुछ नहीं, ह्यूज रूम है, बहुत बड़ा रूम है ये। इसके हमने दिए एक रात के 2000 रुपये, 3500 थे, पर अपनी आदत के हिसाब से हम लेट गए वहाँ पे और 2000 में बात बन गई। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे पापा। कुछ ज़रूरी बातों के साथ। यह सच है, वहाँ कपड़े सोएंगे, चलो वहाँ कपड़े सोएंगे और यहाँ पे लफड़े सोएंगे। ये लो जी, ये आ गया हमारे लिए नींबू पानी, ऊपर चीनी मिक्स हो रही है, और चम्मच कप गिलास से बड़ा है। वो स्टील वाले ग्लास असल में अंदर है, कोई बात नहीं, उसके लिए सब निकालना पड़ेगा। और चाहिए? आ जबर किधर, वेलकम टू पुणे, और ये है सनी और महेश। हाय करो बेबी, हाय करो, हाय करो, हाय।